लगाओ लगाओ लगाओ, वीडियो बना रहा हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, आज हम यहाँ गांव अलकपुरा में हैं, जो कि जिला भिवानी माता है। यहाँ पर संत रविदास और आज की जो खास जो प्रोग्राम है अंबेडकर जयंती का, इस अवसर पर यहाँ पुष्पांजलि अर्पित की है यहाँ के जो खास चीफ गेस्ट हैं, और डॉक्टर पृथ्वीराज डुडेजा जो यहाँ अपनी टीम के साथ पहुँचे हैं, और यहाँ पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ। ये देखिए, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। इस अवसर पर यहाँ संत रविदास और भीमराव अंबेडकर जी को पुष्पांजलि अर्पित की गई है, और इसी संदर्भ में यहाँ पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। ये देखिए मेरे सामने, ये अभी यहाँ डॉक्टर की टीम है, और ये सारे हॉस्पिटल का स्टाफ है रेड क्रॉस का, जो भिवानी से आए हैं। और ये यहाँ डॉक्टर रतवीर डुडेजा जी और डॉक्टर जगदीश चंद्र जी यहाँ पधारे हैं चीफ गेस्ट के तौर पर। ये यहाँ रक्तदान करते हुए युवा गांव अलकपुरा के हैं सभी। तो ये दे दीजिए, इधर आ जाओ। तो क्या नाम है भाई आपका? प्रवीण कुमार है जी। ये प्रवीण कुमार हैं, ब्लड डोनर हैं, और पहले दिया जी, तीन बार दिया जी, चौथी। अच्छा, ये तीन बार पहले दे चुके हैं और ये चौथी बार, हालांकि कई बार रखता। और ये जो डॉक्टर साहब हमारे सामने हैं, इन्होंने भी काफी बार रक्तदान किया है। और इधर से वो देखिए, उधर से तो मेरे सामने डुडेजा साहब डॉक्टर हैं, तो इनसे पूछते हैं। हाँ, तो डॉक्टर साहब कैसा महसूस हो रहा है आपको यहाँ? अच्छा लग रहा है जी, युवा साथी रक्तदान कर रहे हैं, क्योंकि अपने जो ब्लड है ना जी, 95% गर्भवती किसी जिम्मे जाता है, आदर्श में 5 जाता है। उसका रीजन ये है कि अब जो खान पान है वो बिगड़ गया, और डिलीवरी केस में ज़्यादा ब्लड इसलिए जरूरत पड़ रहा है। 95% में जो हमारे पास डिमांड कॉल आती है, तो हमने चेक किया है, रेशो बनाया है, तो 95% गर्भवती केसों में ब्लड जाता है। और मेरी एक प्रार्थना है कि महिलाएं सलाद, जूस, फ्रूट, अच्छी डाइट लें, ताकि उनको किसी से ब्लड की जरूरत ना पड़े, ब्लड मिल जाए और अपनी पूर्ति खुद करें। तो ये थे डॉक्टर साहब, और अभी हम हैं यहाँ डॉक्टर जगदीश चंद्र जी, जो आपको बताएंगे ब्लड डोनेट के बारे में। तो हाँ जी, आपका आपका संदेश में आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो आपके चैनल को सबसे बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत बढ़िया दिन है, बाबा साहब का जन्मदिन है, उसके उत्सव पे ब्लड डोनेशन लगा हुआ है। बाकी देना चाहिए, खूब दे देना चाहिए, वैसे नू नहीं होना चाहिए भाई, ले भाई ब्लड ना दे हो या और घर के कह देते हैं नू कर दे, नू हो जाएगा, लेकिन 3 महीने में पूरा ब्लड हो जाता है। इसमें सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है जी। हाँ, और सभी को मेरी तरफ से मुबारक। तो ये डॉक्टर जगदीश चंद्र जी जो हाँसी में कार्यरत हैं, और ये यहाँ पर ये देखिए, इतने नौजवान यहाँ, इनको दिखाइए। अभी यहाँ शुरू हो चुके हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है, और ये शायद काफ़ी संख्या इनकी पहुँच जाएगी दोपहर तक। Thank you.
भाई वो गेट खोलिए। हाँ तो दोस्तों, आज यहाँ गांव अलकपुरा के अंदर हम लांबा साहब से मुखातिब हैं और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये दो बार जिला परिषद भिवाणी के चेयरमैन भी रहे हैं और इन एलओ के बहुत वरिष्ठ नेताओं में इनकी गिनती होती है। तो आइए, आप इनका हम स्वागत करते हैं। हाँ तो लांबा साहब, आपका संदेश में आपका स्वागत है। तो आज आपके गाँव में आकर आपको कैसा महसूस हुआ? आज जैसे हम सभी जानते हैं, आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती है और जो हमारे संविधान निर्माता रहे हैं, हमारा जो हिंदुस्तान है एक प्रजातांत्रिक देश है और सारे हिंदुस्तान में उठा के देखें तो आज के दिन हम सबसे ज़्यादा बड़ी आबादी के देश होने जा रहे हैं और उस देश का संविधान लिखने वाले आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी थे और जिनकी बदौलत जितनी तरक्की करी, खुशहाली करी, हम सबको हर चीज़ से उपकर ऊपर उठाने का काम करा, चाहे जात पात से, चाहे धर्म से, मजहब से, तो वो हमारा संविधान था जिसकी वजह से हम आज सभी इसकी बदौलत हमारे देश को जो इतनी तरक्की कराने में जो एक अहम भूमिका रही वो सबसे ज़्यादा अगर हम मानते हैं तो हमारे संविधान की रही। समय समय पर बहुत से उन्होंने, चाहे वो नेता कह ले, लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए आपस में बांटने का भी काम किया, लेकिन जो हमारा एक संविधान जो दिया था उसको, इसकी नींव इतनी तकड़ी थी जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें दरकिनार करते हुए हमारा देश आज कितनी तरक्की कर रहा है वो उस संविधान की बदौलत है। आज उनको हम नमन करते हैं। हमारे गाँव में भी हर साल की तरह इस साल भी ब्लड डोनेशन कैंप हमारी संस्था की तरफ से लगाया गया है। हम इनके भी आभारी हैं ताकि हमें समय समय पर उनका मार्गदर्शन मिलता रहे और हम अपना देश की तरक्की और खुशहाली में उसका हम अपना योगदान दे सकें। तो ये आज के मुख्य अतिथि थे लांबा साहब। तो इन्होंने प्रकाश डाला है 132वीं जयंती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो है उसको मनाने के लिए ये स्पेशल आज यहाँ पहुँचे हैं। कैमरामैन अनिल चौहान के साथ अवासिंग चहल।